अभी हम स्नो व्यू और ये इधर किलवरी की ओर जाता हुआ रास्ता और ये ग्लास हाउस के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल ये हमारी NCS बॉक्सिंग एकेडमी है और चलिए कुछ पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम? मैं दीपक सिंह भंडारी जी। आप यहाँ एकेडमी आपका क्या लगाव है? हाँ, एकेडमी में ये लगाव है कि मेरे गुरुजी से पहले से भी परिचित रहे 1998 से जी। मैं पहले जब छोटा था तो यहाँ थोड़ा आता था, बॉक्सिंग करते थे, बॉक्सिंग करता था। फिर यही हुआ कि सर्कमस्टांसेस बदले, पढ़ाई वढ़ाई गांव से आया तो पापा ने कहा बस खेल ये वो मार ले वो इसके छोड़ दी। अच्छा, 2020 में जब ये कोविड का दौर चल रहा था तो उसमें हमारे पूजनीय गुरुजी ने यहाँ एक एकेडमी का मतलब बहुत निर्माण किया था और उसमें मैं अपने बच्चों को ऐसे ही टहलाते हुए ला रहा था तो देखा कि बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है फिजिकली, क्योंकि बच्चे बीच में कोविड के दौरान या तो मोबाइल पे या टीवी पे चिपके रहे थे। मैंने कहा इससे अच्छा तो यहाँ पर लाना अच्छा है, तो ठीक है, थोड़ा फिजिकली ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया रहा जी। तो लड़का आगे को ग्रो किया और अच्छा, और बच्चे मतलब आपका बेटा बॉक्सिंग करता है? क्या नाम? मैं कुणाल सिंह भंडारी, जो कि अच्छा, यहीं से निकला हुआ है जी। और अब क्या कर रहे हैं? MPSC स्कूल, ये कॉलेज देहरादून, मतलब महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून पे, अभी क्लास 8th पे है। अच्छा, और गुरुजी के ही आशीर्वाद से वहाँ पहुँचा है जी, और आगे भी गुरुजी के दिशा निर्देश पे जो भी रहेगा जी। तो गुरुजी का इसमें अपार सहयोग है सभी को, एक मेरे ही बच्चे ने, जो हमारी अभी नई जो यूथ में गई है सब जूनियर्स में, उस लड़की में भी बहुत इच्छा थी। लड़के सभी में मतलब यहाँ के बच्चों में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं पेरेंट्स के, मिडिल क्लास लोगों की, कि नहीं कर पाते तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ ये भी वो सभी उसको पार कर जाते हैं और कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं। थोड़ा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं डॉक्टर हिमांशु पांडे जी, इस समय हल्दू चौड़ इंटर कॉलेज PMC AUGIC उसमें पोस्टेड हूँ जी, और एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ लगभग लॉकडाउन के समय जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही कि लॉकडाउन में जो कोई खास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, आदरणीय गुरुजी ने, मुखर्जी सर ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड कराई, तो बच्चा आता था मेरा उसकार पांडे, उसके साथ मुझे भी जुड़ने का मौका मिला, ये बड़ी बात जी। और उसके बाद मैंने पर्सनली अपनी एक जो स्ट्रीम है वो शुरू करी, ये मेरे लिए अचीवमेंट जी। अच्छी बात है। तो सर ये प्रैक्टिस वगैरह कब से क्या, कितना, कौन कौन लोग, क्या क्या रहे, कैसे करा, कुछ थोड़ा सा बताइए विस्तार से जी। जहाँ जब से हम जुड़े हैं वैसे प्रैक्टिस तो कुछ समय पहले से भी चली रही है, क्योंकि मुखर्जी सर तो लगभग कई लगभग समझो 50 साल से ज़्यादा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यानी उन्होंने पूरा अपना जीवन उसमें लगा दिया। लेकिन हम लोगों को लगभग 4-5 साल जुड़े हुए रहे जी। तो मैं देख रहा था कि बच्चे यहाँ आ रहे हैं और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुरुजी खुद, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी एज ओल्ड होने के बाद सर खुद यहाँ पर आ रहे थे जी। तो उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिला, तो आसपास के सारे बच्चे जो थे लोकल के तो वो यहाँ आते थे दूर दूर से जी। अजय भाई हुआ करते थे हमारे, वो वहाँ पाइंस की तरफ से दूर दूर से बाइक में सवेरे सवेरे यहाँ पहुँच रहे थे, तो उनको लगा कि हम तो नज़दीक आ रहे हैं, तो वो भी प्रैक्टिस करने आते थे। नहीं, वो निश्चित बात है बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है हम लोगों को जी। ऐसे दो, कम से दो लोग मैं तो मानता हूँ कि मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बीच में कुछ साल में मतलब ये स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स से थोड़ा सा हट जैसा गया था जी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद, अब लॉकडाउन लोग तो कहते हैं कि भाई लॉकडाउन में हमको बड़ा नुकसान हुआ, हमें तो बड़ा बेनिफिट मिला जी। हमें बेनिफिट ये मैंने कि मतलब एज ए फैमिली, मेरा लड़का जो कि एकदम छोटा शायद 3rd या 4th में पढ़ता होगा तब जी, इस समय वो 6th में, तब से वो जुड़ा मतलब एकदम बिगिनिंग से बिल्कुल। और उसके बाद मुझे बड़ा अच्छी बात है कि अजय भाई ने ऐसी प्रेरणा दी कि मैं बॉक्सिंग से जुड़ा। अच्छा, थैंक यू। और मुझे एज ए बॉक्सर लोग जाने, और सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं बताऊँ इस अकेडमी की बदौलत, अपने विद्यालय से पहली बार कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा सेंट, वो CBSE के जो है वो नेशनल बॉक्सिंग खेलने गया जी। ये मेरे लिए भी बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब, और आज तक शायद गया नहीं कोई, अभी तो गए हों मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर हम नेशनल तक ले गए बच्चे को, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट जी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये अभी एकेडमी ग्रो कर रही है, बच्चे जो तैयार हुए थे मेरे ख्याल में कोरोना में ही सारे बच्चे स्टार्ट किए थे, और अभी लगभग लगभग सभी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है आगे भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? भविष्य तो बहुत ही मतलब अच्छी बात, एक और बड़ी बात जी, जो बच्चे यहाँ तक खेल के गए वो आज हमारे कोच बने हुए हैं, ये एक एडिशन भी है जी, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम देखते हैं, और वो बच्चे इतनी मतलब संजीदगी से जी, कई बार क्या होता है कि बच्चा खुद करना अलग बात है और सिखाना अलग बात है, वो बच्चे अब आज ऐसे ट्रेनर आ रहे हैं सिखा रहे हैं, ये जो सेकंड लाइन जनरेट हुई है ये बहुत बड़ा चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि
पुराने को बिल्कुल बिल्कुल सबकी एक टाइमिंग होती है और जितना नए को चांस देंगे तो नई नई टेक्निक्स में भी बहुत अंतर आता है। खुद भी नेशनल में खुद भी प्रैक्टिस कर गोल्ड आ रहे हैं, यानी सिल्वर के कई तो गोल्ड आया मेरे को बाय नेम से, लेकिन जी और वही सिखा भी रहे। अगर एरिया की बात करूं तो बहुत छोटा सा ग्राउंड है, इसमें रनिंग भी नहीं हो सकती। एक थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए तो ये ठीक है, लेकिन एक छोटे से रिंग का निर्माण किया हुआ है यहाँ। ये सर ये पोल्स भी आप देखेंगे तो ये मैं कॉलेज से लेकर आया था क्योंकि हमारे पास पक्का रिंग बन गया, तो हम ये पोल यहाँ ला के हमने कहा यहाँ भी बच्चों को इसका वो मिले। तो सर और अपनी तरफ से कोई सुझाव या कुछ कहना चाहेंगे तो सुझाव तो क्या, बस मैं कह रहा हूँ कि गुरु जी का प्रभु उन पर स्वास्थ्य की नियमत बनाए रखें, और अजय भाई जैसे लोग हैं और भी कई लोग हैं जैसे मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा, अपने ये जगाती जी हैं कमल जगाती है ना, तो वो लोग हैं। थापा जी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी उनकी लड़की भी नेशनल गोल्ड लेके आई है। जी जी, जी। तो आज उसी के आयोजन में हम लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो मतलब ये अचीवमेंट है। मैं तो संस्कार से कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, एक नया बूस्ट, नया बूस्ट था थोड़ा बिजनेस, हम लोग कभी कभी ढीले हो जाते ना, यहाँ आगे फिर एनर्जाइज एनर्जी चलो फिर, और वो एनर्जी बूस्टर हैं वो हमारे माननीय मुखर्जी जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चेहरे देख के पता लग रहा होगा कैसे खिलाड़ी हैं, मार आर खाए हुए हैं। हाँ तो बॉक्सर्स गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप लोग सर? यस सर, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चलिए आज बहुत खुशी है, क्या खास है सर? एक तो क्या कहते हैं दीपाली ने अभी नेशनल में गोल्ड लिया है, और हमारी एकेडमी में सबसे बड़ा अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है कि हमारी एकेडमी से लॉकडाउन के बाद से भी थी तो उस टाइम पे नहीं था, कुछ बच्चे आए कुछ बच्चे गए। कितना साल हो गए होंगे प्रैक्टिस? 3 साल हो गया अभी। हाँ शुरू में जब प्रैक्टिस हुई तो कितने बच्चे थे करीब? 50-60 के ऊपर होंगे, धीरे-धीरे सिर्फ 4-5 ही बचे हैं। हाँ। बस अब 19 से हो रहा है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि नैनीताल में बॉक्सिंग से नेशनल में गोल्ड मेडल ये पहला है। हाँ सर। है ना, भले ही हमारे वहाँ से काफ़ी नेशनल प्लेयर्स रहे हैं, अचीवमेंट्स मिले हैं, लेकिन नेशनल में गोल्ड लाना ये पहली बार हुआ है। तो ये हमारी एकेडमी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को? खुशी हो रही है। और क्या क्या प्लानिंग है आगे सर? अभी तो नेशनल अपनी तो थोड़ी सी अचीवमेंट्स बता दीजिए, चलो आप ही बताइए। सर मैंने अभी सीनियर खेला है, यूथ खेला था एक, उसमें मैंने स्टेट खेला है, यूथ में स्टेट स्टेट खेला है जी। और अभी मैंने सीनियर खेला था, उसमें सीनियर पे कैंप करा है मैंने, ट्रेनिंग वहीं से करी। अच्छा, कुछ महीने की दी थी ट्रेनिंग सीनियर के साथ करी है। ठीक। और यूनिवर्सिटीज वगैरह कुछ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हुआ था इस बार। कहाँ तक गई? ऑल इंडिया या LPU में था सर? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली। चलिए कोई प्लेस अभी नहीं है, मतलब आप संघर्षरत हैं। चलिए मिलाते हैं, नाम बता दीजिए अपना। बबीता घंटा। हाँ सर, मेरा नाम पलक बिष्ट है जी। मैं यूथ बॉक्सर हो गई हूँ अब। मैंने पिछले साल जूनियर खेला था जिसमें मेरा सिल्वर था स्टेट लेवल पे, और मैंने खेल महाकुंभ खेले हैं, अलग अलग छोटे इवेंट्स खेले हैं, और मैंने एक नॉर्थ मतलब नॉर्थ जोन खेला था, नॉर्थ जोन खेला था साथ में। अच्छा, खेल अच्छा, अच्छा, ये तो तुम्हारे खेल हो गए। अच्छा इतने बड़े बड़े लेवल पे आप लोग पहुंच गए, तो क्या ऐसा किया गुरुजी ने, कौन सा मंत्र वैसा फूका, थोड़ा सा बताओ आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे प्रेरणा मिली? और पहले तो इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि हम इस चीज़ को करेंगे करके। उस टाइम पे लॉकडाउन था तो एक ये था कि बच्चे घर के अंदर बंद हो रहे हैं, मन भी नहीं लगता था, स्कूल तो जाते थे पर स्कूल के घर के अंदर वो पहला था कि साल भर घर के अंदर ही बैठे रहना है करके। जब हम पहले बार यहाँ आए थे तो पहले नहीं था कि हम बॉक्सिंग इतने टाइम तक स्टार्ट करेंगे करके, पर धीरे धीरे टाइम पास के लिए आए। हाँ सर, उस टाइम पे ऐसा था कि मस्ती है, थोड़ी बहुत खेलना कूदना हो जाएगा तो घर से बाहर। तो किससे इंस्पायर हो गया सर? मेन तो गुरुजी थे, गुरुजी ने बताया कि इस चीज़ से इतना कुछ होता है, ये है वो है, तो धीरे धीरे सर खेल खेल के पता चल गया कि है इसमें आगे कैरियर भी बन सकता है। तो पहले तो सुना मैंने पलक, स्पाइनिंग के नाम पे डर भी लग जाता था सर? पहले स्पाइनिंग के नाम पे मैं रोक देती थी सर, बहुत डर लगता था सर। अब ऐसे लगता है कि अगर मैं स्पाइनिंग नहीं करूँगी तो मेरा जो मेरा परफॉर्मेंस है वो कैसे जाएगा। तो ये कैसे चेंज हुआ एकदम से, कन्वर्ट कैसे हुआ? प्रैक्टिस करके सर, साथ ही सीनियर्स को देख के सर, अपने सर को देख के सर, ने जो मोटिवेशन दी सर उसी से सर। तो सर लोग क्या ऐसी मोटिवेशन देते हैं सर? सर लोग बोलते हैं अगर मार लगेगी तो लगेगी, दो हाथ उस पर है, दो हाथ सिर पे है। अच्छा चलिए दीपाली के मम्मी पापा से बात करते हैं। नमस्कार थापा जी, बहुत बहुत बधाई, और आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां भी। जैसा कि माताओं का बड़ा मर्म हृदय होता है, लेकिन आज आपकी बेटी नेशनल में गोल्ड मेडल लाई है, तो ये ख्याल कैसे आया? खासकर ये गेम जो है बड़ा इंजूरी वाला गेम है, तो
तो माताएं लोग तो खून देख के भी डर जाती हैं, और बॉक्सिंग में खून निकालने का ही गेम है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इस बारे में ये ज़्यादा बताएंगे। अच्छा, मतलब इसमें पापा का ज़्यादा है? अच्छा, हाँ, तो पापा का तो खैर पक्का रहा होगा, क्योंकि सपना पिताजी का भी होता है, लेकिन माँ का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि अगर मम्मी ने मना कर दिया तो जहाँ होम मिनिस्ट्री से ना हो गई तो फिर तो कुछ नहीं हो पाता है, तो ऐसा कोई डर डर तो नहीं रहा? थोड़ा सा होता है, जी, स्पैरिंग वगैरह होती है उस समय, जैसे इंजर्ड होके आती है जी, तो उस समय थोड़ा सा मैं ही कहती हूँ कि बेकार डाला है तुमने इसको। अच्छा अच्छा, आप कैसा लगता है? अब अच्छा लगता है जी। चलिए थावा जी, ये बता दीजिए आप, हाँ ये बताइए, ये ख्याल कैसे आया? सर ये ख्याल तो आप ही ने डाला हमारे ऊपर, क्योंकि दीपाली वो जो स्टार्टिंग में जब दीपाली बॉक्सिंग सीखने के लिए गई तो मिस्टर अजय कुमार सर, जो कि आप हो, हमारे सौभाग्य है, उसका भी सौभाग्य कि आपने बेसिक ट्रेनिंग उसको दी। और कोरोना काल में जैसे स्टार्ट हुआ, मैंने उससे पूछा था स्टार्टिंग में कि आप बॉक्सिंग करोगे, उसने कहा हाँ कहा, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से वो कंटिन्यू रही, लेकिन इस बात का ये रहा कि वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही। कोरोना में लोग घरों में दुबके रहे, लेकिन सर उसके बाद भी जब कोरोना हाँ, काल ख़त्म हुआ जी, और क्योंकि हमारे वहाँ पर दो नीचे सियारस्टी इंटर कॉलेज जो है मार्केट में, वहाँ पे भी प्रैक्टिस होती है जी, और यहाँ पर भी होती थी पहले, पहले तो एक ही टाइम होती थी जी जी, लेकिन जैसे ही अभी क्योंकि दीपाली की उम्र तो थी नहीं कि टूर्नामेंट में जी खेल पाए, उसकी जो प्रतियोगिता के लिए उम्र काफ़ी बिल्कुल मतलब थी नहीं। जितना मुझे याद है पिछले दो खेल महाकुंभ वो हल्द्वानी देखने गई, ना वेट आया ना एज आई, उस वजह से वेट ना आने के कारण वापस उससे निराश होकर लौटना पड़ा, या हिम्मत नहीं आ रही, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। सर इसमें आपका धैर्य और आपकी जो एक लगन थी वो बहुत काबिले तारीफ है, इसमें सभी लोगों का है जी, तो ये कहूँगा कि सभी लोगों का इसमें योगदान है बहुत बड़ा जी। लेकिन जहाँ पर टर्निंग पॉइंट की बात करें, एक हल्का सा मैं बताना चाहूँगा आपको जी, मेरी ख्याल से इस दिसंबर फर्स्ट वीक में 2023 में खेल महाकुंभ जी, जिसके जिसका जो स्टेट की जो चैंपियनशिप थी वो होती है हरिद्वार में जी, तो वहाँ पर दीपाली को और गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी और हम लोग पूरी टीम यहाँ से गई थी, मैं भी गया था वहाँ पर जी, तो वहाँ पर जो दीपाली का जो बाउट हुई, दीपाली पहली ही बाउट में तीन राउंड खेले, लेकिन दीपाली का वहाँ पर हार बाहर हो हार जी, तो दीपाली को भी रियलाइज़ हुआ और मुझे भी हुआ कि यार एक टाइम से कुछ होने वाला नहीं है, और जरा एफर्ट बिल्कुल डालना पड़ेगा, तो एफर्ट मैंने नहीं दीपाली ने ज़्यादा डाला है, तो उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ठीक है, भले ही आप हमने तो बेसिक सिखाया, कोचिंग की बात आपने कही, लेकिन सर जहाँ तक एक ईमानदारी की बात मैं कहूँ कि साफ सुथरी बात कहना ज़्यादा मुझे पसंद है, पहले कुछ तो आप ही है, भले ही आपने भी बॉक्सिंग हमसे दिवाली को के साथ साथ आपने भी हमारे साथ बॉक्सिंग सीख ली है ना, तो लेकिन जो जज्बा मैंने आपका देखा, ऐसे पेरेंट्स का बहुत कम जज्बा देखने को आता है, खासकर पिता का, कि आप नौकरी पे हैं सर, सरकारी नौकरी में वन विभाग में, उसके बावजूद आप उसके लिए समय निकालते हैं, हर टूर्नामेंट दिखाने आप ले गए चाहे भले ही ना खेली, तो ये बड़ी बात है सर। और आगे का सपना क्या है आप लोगों का? आगे का सपना तो बॉक्सिंग का ही है, हमारा जो सपना है, लेकिन जैसा होता है कि अभी हम कह नहीं सकते, जैसी जैसी बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसकी सोच भी बढ़ती है, अगर हम अभी ये कह दें कि यार दीपाली बहुत ज़्यादा वो करेगी तो डिपेंड तो सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा बिल्कुल, लेकिन अभी की जो कंडीशन है कि दीपाली तैयार है बॉक्सिंग के लिए और निश्चित रूप से आप लोगों को निराश नहीं करेगी, और एक अच्छा अचीवमेंट उसका बॉक्सिंग में रहेगा, ये हमारा उसका आशीर्वाद भी है, और अभी की करंट की स्थिति जो है ये है, अब बाकी भविष्य बताएगा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इरादे नेक होंगे तो मंजिल आसान हो जाती है। आप लोग पहले ऐसे माता पिता हैं जो नैनीताल में आपने इतिहास रचा है, नस्ल में गोल्ड मेडल पहली लड़की है जो बॉक्सिंग से नैनीताल में लाई है, आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। सर आपको भी बधाई। पुष्पा धर्मवाल, मैं मोहनलाल शाह बालिका इंटर कॉलेज में बयान अध्यापिका हूँ, और मेरा बॉक्सिंग गेम रहा है। 2000 में जब बॉक्सिंग शुरू हुई थी तो मैं उत्तरांचल की फर्स्ट लेडी बॉक्सर के रूप में जानी गई, हमने सबसे पहले एक टूर्नामेंट खेला जो अल्मोड़ा रेमजे कॉलेज में हुआ था, और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद में नेशनल गेम्स चेन्नई जो हुआ था 2002 में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था जी। अच्छा, आज यहाँ जो ये अचीवमेंट आया है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए।
सर स्टूडेंट के लिए तो नैनीताल के लिए तो ये पहला ही अचीव कहेंगे आप इसे, और वो भी एक छोटी बच्ची हमारी, और इतनी मेहनत से वो यहाँ पे करती थी हमारे मोहल्ला, मुझे बहुत ही खुशी हुई और तो बहुत खुशी हुई। नैनीताल के लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। चलिए थैंक यू सो मच। ये हमारे बॉक्सर का प्रवेश, हमारी चैंपियन हमारे बीच। सबको प्रणाम करें बेटा, सबको दीदी लोगों का सबको करें यार, सबको करो संस्कार से हाथ मिलाने बस। ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा अच्छा। खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और इनकी मेहनत भी लाजवाब है। चलिए मिलवाते हैं, आप अमित बेस्ट, आप चैनिका सा। चैनिका कहाँ तक खेली हो? सर मैं नेशनल खेली हूँ 2-3 बार, एक बार मेरा मेडल भी है। और कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज मेडल है। गुड। और ऑल इंडिया भी खेली हूँ 2 बार, 1 बार नॉर्थ जोन जी। और मेरे कोच सर, हाँ सर, और अमित बेस्ट जी, इनके अंडर ही मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ जी। तो अमित सर हमारे बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी और कोच भी बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, अभी जब से मिताली, ये हमारी दीपाली आई है, दीपाली के साथ मैंने स्पैरिंग करते देखा है, तो उससे क्या है ना, मिताली का बहुत ज़्यादा वो गेम डेवलप हुआ है और ये स्किल सीखने को मिले हैं। क्योंकि अमित जो है साई हॉस्टल काशीपुर से निकला है, तमाम टेक्निक्स वहाँ हमारे इंडियन लेवल के कोचेस से मिलती हैं, क्योंकि साई में सिलेक्शन ही अच्छे कोचेस का होता है। तो दीपाली को तैयार करने में बहुत अहम भूमिका हमारे अमित की भी है, चैनिका की तो ही है। तो चैनिका अब क्या आगे क्या प्लानिंग है तुम्हारी? सर मेरी तो इस साल के नेशनल गेम्स की प्लानिंग है फिलहाल, और साथ में मैं अपने संग जितने मेरे संग जूनियर्स आते हैं संग करती हूं, ताकि उनका भी गेम डेवलप हो। हां अमित जैसे बीपीएड कर रहा है, तो अमित जैसे सर बीपीएड कर रहा है, तो इसके बाद आई होप वो अपने फ्यूचर में काफी अच्छा करे, जितना उन्होंने हमें यहां सिखाया है जी। एनआईएस करेंगे, ठीक जी। जी तो आप लोगों को खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि मैं देखता हूँ रेगुलर अगर कोई नहीं है तो चैनिका बेस्ट या अमित बेस्ट अगर नैनीताल में है आप लोग रहते हैं जी। ये मुखर्जी गुरुजी का वो पौधा है जिससे जिसकी शाखाएँ आज बहुत सारी हैं जी। तो अब आगे क्या प्रिपरेशन है? अच्छा दीपाली गोल्ड मेडल लेकर आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितने टाइम प्रैक्टिस कर पाई अभी बीच में आप लोगों के साथ? हमारे संग रेगुलर थी नवंबर के बाद, जब मैं कैंप के बाद आई थी तब से वो मेरे संग रेगुलर प्रैक्टिस कर रही थी। अभी कितने बच्चे हैं कैंप में? तो क्या लगता है उनको देख के कितने मेडल्स देंगे या कितने नेशनल लेवल तक मेडल आ सकते हैं? सर कुछ जो है जो लगातार 2-3 साल से कर रहे हैं, ये तो जरूर मेडल देंगे क्योंकि ये मेहनत भी बहुत करते हैं जी। और दीपाली जैसे, और कुछ जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनको गाइड करना है कि कैसे करते हैं। बिल्कुल, और सीनियर्स के बीच खेलेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वैसी सीख लेंगे। तो आज हमारे संग मिस्टर अजय हमारे कोच जो हैं वो आए हैं, और हम बहुत खुश हैं कि सर हमारे संग यहाँ जुड़ते रहते हैं काफ़ी बार, और हमारे लिए सर को अगर कुछ रिक्वेस्ट हम पूछें या बताएं तो हमारे संग हमेशा जुड़ते हैं। तो सर आपको कैसा लग रहा है दीपाली का मेडल? इतनी खुशी है कि इतनी खुशी तो जब हम लोग खेलते थे ना अपनी खुशी में भी नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चा हम लोगों ने तैयार किया कोरोना काल में, और गुरु जी की कृपा है। सबसे बड़ी बात, नैनीताल में अगर कोई बॉक्सिंग है तो पहले यूपी में बॉक्सिंग होती है, आज उत्तराखंड में बॉक्सिंग है, तो गुरु जी का नाम हर जगह जुड़ता है इंडियन बॉक्सिंग में। तो हमारे गुरु जी मिस्टर मुखर्जी निर्माण के गुरु जो स्टूडेंट रहे मिस्टर सी एस भंडारी जी, तो भंडारी जी के हम सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें चैनिका शाह है, अमित बेस्ट है, मैं रहा हूँ, तो उन्हीं का ज्ञान ये बढ़ रहा है। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स तो अपने सर को ही दूंगा कि सर ने हमको कोचिंग कराई है। गुरु जी तो सबके ऊपर इसमें पिता वाले रोल हैं, और उनका आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो बुलंदियाँ छूता है। और दीपाली का जिससे मैं दीपाली के पापा ने मुझे फोन किया, तो उम्मीद तो थी कि आज फाइनल खेल रही है जीत जाएगी, लेकिन एक डर होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी जो बड़े लेवल पर खेलता है और फाइनल नेशनल का फाइनल, तो एक एक्सपेक्टेशन जो होती है तो उससे थोड़ा सा एक डर का भी माहौल बना रहता है। लेकिन जब दिवाली में पापा ने मुझसे कहा कि गोल्ड मेडल लाइए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे मैं राजबली से पाया, और पेट में मेरे ना अजीब सी एक खलबली जैसी थी, पेट घबराहट जैसी हो रही थी, तो
खुशी होती है कि अभी हमारे बीच का बच्चा एक बहुत अच्छे लेवल पर खेल रहा है। और मतलब मैं बता नहीं सकता हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है, जितना मैंने देखा है। हम लोग सुविधाओं से बच्चे, क्योंकि ये अकेडमी जो गुरु जी के नाम हमारी चल रही है, गुरु जी इसको चला रहे हैं, इक्विपमेंट सबको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। आज की तारीख में ये है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ होने से तमाम टूर्नामेंट्स के बारे में जानकारी हो जाती है। उसके अलावा फिर हमारा जो पहाड़ी परिवेश है, भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है खेल के अनुरूप तो हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ का अभाव होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन उसके बीच जो बच्चा निकल के आता है तो वास्तव में सोना ही होता है। और अभी मेरी जो तमन्ना है, मेरी अपेक्षाएँ हैं, चैनी का सांस है, पपीता से है, पालक से है। जो पूरी बैकबोन है, जो पूरी तैयारी में लॉकडाउन में जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने पूरी मेहनत करी, मैं अजय भाई से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने तहसील के रूप में यहाँ पर मल्यार्पण करें, यहाँ पर स्वागत करें। और हमारे उत्तराखंड की पहली लेडी बॉक्सर जिसे हम कह सकते हैं, और हमारे भी बहन पुष्पा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ पर अपनी यहाँ पर अपना हार्दिक स्वागत मैंने भी बाल विद्या मंदिर में बोला था कि कुछ बच्चे निकालिए निकालिए, लेकिन गुरु जी को ये बच्ची मिली और आज देखिए इसने पूरा प्लेटफॉर्म इसका ये रहा कि आज हमें गोल्ड मेडल ला के दिया। नैनीताल के लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही है, और दीपाली जीत के आई है इसका मतलब हम ही लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। खुशी का दिन है, दीपाली छोटे से शहर नैनीताल से ऐसा में गोल्ड मेडल लेकर आई है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे याद आ रहा पुराना टाइम, जिस समय दरअसल इसकी जो मम्मी हैं उनका जो भाई है भीमताल में, वो मेरा स्टूडेंट है राकेश बिस्त, उसने मुझसे कहा कि गुरु जी मेरी भांजी है वहाँ अस्तुव्यू और उसको बॉक्सिंग करानी। कोरोना टाइम चल ही रहा था, वो गुरु जी के मन में आया कि भाई एक अकेडमी हमको यहाँ स्टैब्लिश करनी है, तो नाम हम रखने की बात आई। गुरु जी ने नाम भी जो है हमको सुझाया कि NCS बॉक्सिंग अकेडमी रखी जाएगी। उसके बारे में विस्तार से अभी मैं नहीं जाऊँगा। अकेडमी बन गई और ये जो छोटा सा हमारा एक ग्राउंड है, ये हमारी अकेडमी है, इस जगह से बहुत प्यार है। और जैसा गुरु जी का निर्देश होता है, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के भी जो कोचेज हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा अपने बड़े भाई मिस्टर ललित प्रसाद का, मिस्टर बेलवाल जी का, उन लोगों से गुरु जी ने एक बार कहा कि भाई यहाँ आके प्रैक्टिस करानी है, तो वो लोग भी अपने कुछ समय के लिए टिप्स दे के गए, चाहे वो एक दिन के लिए आए या दो तीन दिन के लिए आए। तो हम इस बात के लिए हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके भी जो है टिप्स हमारे बच्चों को मिले। और सर जी का जो बोया हुआ पेड़ है मैं उनको भी याद रखूँगा, मतलब आज उनको आलोक में जन्म लाना चाहूँगा, मिस्टर GS भंडारी जी का। आप हमारे कोच रहे यूनिवर्सिटी में, और शुरू में जब मैंने बॉक्सिंग शुरू करी तो उन्हीं की हम उपज हैं और मोस्टली बच्चे उन्हीं की उपज हैं। आज हमारे बीच अभी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद अदा करूँगा कि सर का जो पेड़ था वो पौधा था वो पेड़ बना, पेड़ से अब ये शाखाएं फैल रही हैं। और नैनीताल हर किसी की कामयाब में वो स्टेप बाय स्टेप जो लोगों के एफर्ट्स होते हैं, उसमें दो नाम भी हैं कि चैनिका शाह और अमित बिस्त। अमित बिस्त को मैंने देखा है रेगुलर, ये यहाँ पर उसको स्पेलिंग प्रैक्टिस करवाता था, तो वो भी सही हॉस्टल काशीपुर से निकला है, चैनिका की तो कोई बात नहीं, तो रेगुलर प्रैक्टिस में तो साल भर अगर ग्राउंड में कोई दिखाई देता है वो प्रैक्टिस में, तो चैनिका अपनी प्रैक्टिस में रहती है। तो इनका भी बहुत अहम योगदान है, और ये सब मौके होते हैं जहाँ हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उनका मन टूटेगा, इसलिए जिसने जिस स्टेप पे जितनी मेहनत दे दी ना उसको उतना श्रेय मिलना चाहिए। और एक चीज़, इस एकेडमी का जन्म जो है था वो बच्चों को, कोरोना तो एक बहाना भी रहा, साथ ही बच्चों को जो यहाँ धूमपान और ये तमाम तरह के गलत ऐप लग रहे हैं ना बच्चों में, तो इससे बचाने के लिए भी गुरु जी का और हमारी ये मंत्रणा हुई थी कि बच्चों की एक अकेडमी इधर जनरेट करते हैं। कम से कम ये नशा सा जो हमारे नैनीताल को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, हमारे नए बच्चे दूषित कर रहे हैं, हमारे यंगस्टर खराब हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उसका माइंड यहाँ कन्वर्ट हो, जब थक जाएगा तो फिर वो उतना सोचेगा भी ना उधर जाएगा। तो ये हमारे इसके पीछे मेन लॉजिक था या मेन उद्देश्य हमारा ये था। नैनीताल मिलते एक नैनीताल के बड़े
बॉक्सर से अपने टाइम पे एक बड़ा नाम हुआ करता था, जैसे टाइसन का हुक वैसे हमारे जगाती सर का हुक। सर नमस्कार। सर आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली का, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप हमारे व्यूवर्स को, और क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे आगे के भविष्य के बच्चों के लिए? ये बहुत अच्छी बात है कि सीमित संसाधनों के साथ हमारी दीपावली थापा नेशनल की गोल्ड मेडल हुई है, इंडिया की टीम से खेलने जाएगी और ये यूथ गेम्स को रिप्रेजेंट करेगी इंडिया के लिए। ये बहुत ही सुंदर बात है कि इतना सीमित संसाधनों के हम लोगों ने ऐसे बॉक्सर अगर नैनीताल से निकालने शुरू करे हैं तो बाकी लोगों ने भी आना चाहिए, इसमें बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसी प्रतिभाएं तो हमारे पास ढेरों पड़ी हैं। तो आज हमने दीपावली को देखा, हमारे घर घर में ऐसी दीपावली हैं जी, तो हमने जैसे निकिता चंद वगैरह बॉक्सर्स हैं यहाँ की, वैसे ही दीपावली को भी बनाना है, वो भी पिथौरागढ़ से है और उसके पास भी काफ़ी सीमित संसाधन है, हमारे पास तो उससे भी कम है। लेकिन एक वीडियो पहले आपने देखा होगा जो बर्फ़ में प्रैक्टिस करने का था, जिस बर्फ़ में हम लोग सोए रहते हैं, आराम करते हैं और बर्फ़ से डरते हैं, ठंड हो रही होगी बाहर रहने दो यार आज का गोल करो, उसमें उसने प्रैक्टिस करी, तो ये जज्बा दिखाता है। ठीक है सर, लास्ट में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो नशों से दूर रहो, कोई भी नशा, कोई भी एक, जब सबसे पहले आपको एक ग्लास में अगर कोई नशा मिलता है उसे छोड़ दो जी, आपको कोई स्मैक या कोई और नशा मिलता है उसे छोड़ दो, हमें हमेशा नशे को छोड़ देना चाहिए। साथ में जैसे ट्रांसपोर्ट का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ करके पैदल चलना सीखे तो हमारे पास स्टैमिना बनेगा। मतलब नशा जो है खेल का होना चाहिए। हाँ, खेल का नशा हो, अपने जज्बे का नशा हो, अपनी जीत का नशा हो तो हम, और अपने एम का नशा, हाँ एम जो आप रखें उस चीज़ का नशा रखें, आप पक्का पक्का दीपावली बनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। दीपावली पहला केक मैं दिखा दूं सर के हाथ में, थोड़ा सा ये क्या बात है, क्या बात है, पूरा ग्राम चल भाई, ये थोड़ा सा चलो चल चल, अरे चलो की दीपावली इतना आगे तक गई है और अभी उसे और भी आगे जाना है। आई एम वेरी हैप्पी। दीपावली की एक चीज थी, शी इज़ वेरी कंसिस्टेंट, वो सुबह शाम हम नहीं भी आते थे, शाम को हमारे साथ सुबह वो अकेले रहती थी अकेले, बट आई होप और इससे भी बहुत आगे जाना है। अच्छा अभी रोज आऊंगा जिस चीज का सपोर्ट वो होगा, सम्मान होगा मैं आ जाऊंगा भाई, मैं चाहता हूँ एक एक करके सबका हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों का सम्मान होगा, सम्मान के लिए लड़ो, सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, अपने चरित्र को सम्मान के लायक बनाओ, है ना। आप सभी लोगों के सहयोग से एक सूत्र मिला है, अब आप इस बात के ये दिखाई में इसके साथ भी खेला जी के लिए, कुछ लड़के के साथ भी स्पारिंग करेंगे, टचिंग करेंगे, संस्कार के साथ भी करेंगे, जितने लोग भी हैं भाई लोगों के साथ भी प्रैक्टिस, कहने का मतलब ये कि छोड़ा कुछ, ठीक है। 19 नवंबर 2020 को गुरुजी का नाम सुना था मैंने, कभी मिला नहीं था। 19 नवंबर 2020 के दिन जिस दिन से गुरुजी से मैं मिला तो गुरुजी से प्यार हो गया बॉक्सिंग की वजह से। मैं इस यहाँ पर ये हिमालय दर्शन की सेट को घूमने के लिए गया, 19 तारीख की बात, 18 तारीख की बात है, मेरे को किसी ने बताया कि कोरोना काल में आपको बॉक्सिंग की प्रैक्टिस हो रही, इससे पूछा घर जाके 18 तारीख को, पहले तो मैं यहाँ आया ओरी नहीं ओरी देखने के लिए, उसी समय वहाँ से शाम घर जाके पूछा, इसने बोला ठीक है मैं जाऊँगी स्कूल स्कूल सब मनते, उस दिन से हम लोग यहाँ पर जुड़ गए, छोड़ा ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मतलब एक कहते हैं आपने बोला ना कि कुछ लग भी जैसा होता है, मतलब एक दिमाग में बैठ गया पूरे, इसकी भी और मेरी भी, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ, करने वाला अगर सपोर्ट ना करे, अजय सर प्रैक्टिस कराते हैं, पहले कराई इन्होंने, गैप क्यों हुआ, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये चैनिका है, अमित है, हर कोई बच्चे ने आज इसको, मतलब बेसिक तो ये हमारे अजय सर ने बताया, पहले मैं बॉक्सर नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरा क्या था, मैं इसके साथ मेरा भी, मैंने भी बीपीएल किया फिजिकल एजुकेशन से,
तो इंटरेस्ट है मेरा पहले बॉक्सिंग भी सीख ली। कराटे करते थे? मैं शुरू में इनके साथ करता था पंचिंग मैच। कराटे करते तुम? हां ताइक्वांडो के लिए वाले थे ना। ये भी तो बॉक्सिंग करने लगे थे अभी बीच में, तो मैं प्रैक्टिस करने लगा कोरोना काल में अपने फिटनेस के लिए। तो कहने का मतलब ये है ना, ये बच्चे सारे, मैं इन लोगों से दादा, मैं इन लोगों को बड़ा एग्रेसिव होकर बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी है तो ढंग से करो, छोड़ दो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ। ये तो बहुत, आप हमारे उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड। सर आज एक और नाम आपकी उपलब्धियों में जुड़ गया है, दीपाली थापा, और आपका मोटिवेशन के बिना ये बहुत असंभव था। जहाँ एक टाइम था कि यूपी के समय में सारे बॉक्सर्स की टीम नैनीताल से बनकर जाया करती थी, बिल्कुल, और कई इंटरनेशनल आपके हाथों से निकले, तो आपके लिए ये छोटा सा अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन नैनीताल के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो दीपावली की कामयाबी के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे सर? दीपाली बहुत ही जो है वो डेडिकेटेड है बॉक्सिंग के लिए जी, चाहे जितना भी वो कहें उसके लिए, और बहुत कम बातचीत करती है और अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान देती है जी। जो भी उसको बतलाते हैं उसके वो पूरा उसको जो है मेटलाइज करती है जी। तो आगे की बॉक्सिंग को किस नज़रिए से देखते हैं कि दीपाली क्या मोटिवेशन दे पाएगी आगे अपने नैनीताल की बॉक्सिंग में? मैं सोचता हूँ कि दीपाली अगर इसी तरीके से चलती रही तो आगे चल करके और काफ़ी ऊपर तक जाएगी ये जी। अगर दीपाली का नेशनल रिकॉर्ड देखें तो जितनी बॉक्स देखी जीती हैं दीपाली ने, वन साइडेड जीती हैं, तो इंटरनेशनल का टैग क्या दीपाली हासिल कर पाएगी? उम्मीद करते हैं जी कि आगे वाले टाइम के अंदर जी, अभी इसके दो तीन जगह से जो है वो कॉल आए हुए हैं जी, जिन्होंने की साई वाले भी पीछे पड़े हुए हैं जी, साई कहता है कि हमारे पास में भेज दो इनको जी, इधर JSW वाले भी कह रहे हैं जी, इधर ये आर्मी के अंदर जो नया जो खुला है गर्ल्स वाला, हाँ गर्ल्स वाला जी, पुणे के अंदर जी, वो भी कह रहे हैं कि इनको यहाँ भेज दो हमारे पास जी, हम सोचते हैं कि वहाँ इसको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा जी, पर हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट जगह है वहाँ उसको चयनित करवा देंगे। तो सर जो एकेडमी बनाने के पीछे जो हमारा मोटिव था कि एक तो बच्चों को धूम्रपान से बचाना है, बुरी आदतों से बचाना है, और ख़ासकर अच्छे खिलाड़ी तैयार करके उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करना, तो आप कहाँ तक इसको सार्थक कर पाए? हमने जो जितने बच्चे थोड़ा सा भी जब ज़्यादा लोड पड़ने लगा तो 80 में से हमारे पास अभी 20-25 बच्चे रह गए हैं जी, क्योंकि हर आदमी हर बच्चा ये लोड नहीं उठा सकता, धीरे धीरे कम होते गए और अभी भी 25-1 बच्चे हमारे पास हैं जी, जो कि इसके अंदर करेंगे और आगे चल के अभी हमको 4-5 मेडल तो मिल ही चुके हैं जी नैनीताल से, नैनीताल वाले बच्चों को जी, अपनी अकेडमी से, अकेडमी के बच्चों को जी सर 4-5 मेडल मिल चुके हैं, जैसे प्रतिष्ठा है जी, ये चैनिका है, बबीता है, हमने बबीता है जी, पलक है कुनाल स्पोर्ट्स कॉलेज में चले गया, स्पोर्ट्स कॉलेज में चला गया है जी। तो सर अभी हम एक्सपोजर देने के लिए एक व्यक्तिगत सवाल सर, एज कितनी हो गई सर मेरी जी? आई एम रनिंग इन 82 ईयर्स ओल्ड जी, 82 ईयर्स यंग एनर्जेटिक, बच्चों के साथ रहते तो अपने आप को जवान बनाए रखते हैं और क्या जी। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं सर, आगे भी नैनीताल के हमारे नौनिहालों को आप तैयार करते रहेंगे। अभी हमारा एक रिंग जो नीचे टाउन में बनने वाला है जी, जल्दी से जल्दी डीएम साहब ने अप्रूव कर दिया है जी जी जी, और करीब 60x60 फीट का जो है एरिया हमको फ्लैट्स में मल्लीताल DSA ग्राउंड जी देने के लिए। अच्छा सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मेरा लास्ट सवाल कि पिछले अभी एक दो दिन पहले जो है समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ कि DSA एकमात्र ग्राउंड हमारा नैनीताल का है जो खेल प्रेमियों के लिए, बच्चे अपना वहाँ भविष्य भी संवारते हैं, फिटनेस के लिए भी इकलौता ग्राउंड है और साल भर टूर्नामेंट्स वहाँ चलते हैं, लेकिन सुनने में आया कि नगर पालिका द्वारा वहाँ पर पालिका बाजार बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए क्योंकि एक ही ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए,
और यहाँ की आबादी करीब 2 लाख के करीब हो गई होगी अभी, और बच्चों के लिए एक ग्राउंड है जिसके अंदर की ये सब के सब खेलते हैं जी, जबकि सीजन में ऑलरेडी वो पार्किंग से भी उसको काफी कवर कर दिया, पार्किंग से भी बहुत फर्क पड़ा है, बड़ी मुश्किल से कोर्ट ऑर्डर से जो है वो पार्किंग रोक दी गई है जी, और ऐसा ही रहा तो अभी कोर्ट ऑर्डर से ये पालिका बाजार भी रोक दिया जाएगा जी। ओके सर, थैंक यू सो मच और भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आप दिख रहा हूं। थैंक यू।